हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीधे बात करेंगे टाटा पावर से रिलेटेड। टाटा पावर का शेयर बहुत भाग रहा है, 52 वीक हाईस ने शायद अभी अपना हिट कर दिया है अगेन, ओके उसे क्रॉस भी कर दिया है। तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे, क्या इसे अभी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट उससे आगे वीडियो की तरफ बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा हमें हौसला मिलता रहे और हम इस तरीके की वीडियो लाते रहे, हमारा ये चैनल ग्रो होता रहे। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, ओके। एक आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के साथ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दान दे सकते हैं और एक मंदिर बनाने में मदद कर सकते हैं श्री राम जी का। सो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे टाटा पावर, आपके सामने है इसका चार्ट पैटर्न, वन डे का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, 3% की जंप, ओके। अगर बात करें 5 डेज की, तो यहाँ पर ये शेयर लगभग 93 के आसपास चलता था, लगभग आज बहुत अच्छा खासा भाग चुका है। 1 मंथ की बात करें तो 86 पे था, ओके। 6 मंथ की बात करें तो पॉजिटिव, ईयर टू डेट तो पॉजिटिव, 1 ईयर की बात करें तो भी पॉजिटिव, 5 ईयर्स की बात करें तो देखिए ये इसने अभी अपना ये ऑल टाइम हाई भी आई थिंक तोड़ तोड़ा है यहाँ पर, जब नहीं ऑल टाइम हाई अभी नहीं पहुँचा, सॉरी ऑल टाइम हाई इसका 2008 में था 156 रुपये का, ओके। और उस तक जाने का पूरा कोशिश करेगा ये, और जिस तरीके के ऑरा और जिस तरीके का एनवायरनमेंट इस शेयर के लिए बना हुआ है, तो डेफिनेटली पहुँचने में कोई दो राय नहीं है कि नहीं पहुँच सकता। और बट आपको खरीदना है कि नहीं उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे आगे चल के। अब अगर बात करें यहाँ पर, ये यहाँ पर आज के दिन में 3,22,87,901 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे लगभग 24.28% यहाँ पर शेयर खरीदे गए हैं। 2700 रुपये का आपको 12 मई को मिल रहा था, आज की डेट में ही देखिए 4 तारीख है, आज की डेट में इसने 52 वीक हाई इसने अपना टच किया है, ऑल टाइम हाई से अभी दूर है बट स्टिल 52 वीक हाई को क्रॉस मतलब टच कर चुका है, 114 जो कि आज के दिन है। अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं पॉजिटिव है, वो अभी हम और आगे भी देखेंगे। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 46.86% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और अगर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ा भी रहे हैं, आगे देखेंगे। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का 53 है, और 53 भी नहीं है इसमें, FIIs DIIs सब बहुत HNIs इंक्लूड है जो कि हम आगे चल के देखने हैं। और गिरवी की बात करें तो बिल्कुल थोड़े से मतलब 2.59% ही शेयर यहाँ पर गिरवी है, बाकी सब कुछ शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है, और ये गिरवी है तो इसे बड़ा मत समझिए, कोई परेशानी नहीं है। 25% तक अगर कोई गिरवी रहता है तो हम उसे मानते हैं, ठीक है, ओके। बट हाँ, यहाँ पर टाटा ग्रुप का शेयर है और थोड़ी सी गिरवी है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पर डिविडेंड, तो कंपनी डिविडेंड देती हुई आपको हर साल नज़र आती है। अगर बात की जाए बोनस, तो कंपनी ने 1975, तो समझ लीजिए कंपनी कितनी पुरानी है, तो तब एक बार बोनस दिया था 1:5 का। स्प्लिट की बात करें तो 2 बार स्प्लिट भी हो चुका है यहाँ पर, 1995 और 2011 में, ओके। राइट इशू की बात करें तो बहुत बार इसने राइट इशू भी आपको देते हुए नजर आए हैं, ओके। तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन हमें नज़र आ रही है। अगर बात करें कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए सोलर रूफटॉप, मतलब आज की डेट में जिस तरीके से बिजली यूज होती है, ओके, तो उसे कम करने के लिए ना, अगर आप इस तरीके का पैनल जो सोलर पैनल होता है ना, इसे अपने घर पे लगवा लेंगे तो आपकी बिजली कम हो जाएगी, और इसमें एक ही बार का खर्चा है, बाकी आपको बार बार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे नॉर्थ इंडिया या फिर भारत के बहुत सारे हिस्सों में, ओके, आज भी मतलब धूप बहुत अच्छी तरीके से निकलती है, तो इसको लगाने पर आपका बिजली का बिल बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर बात की जाए ईवी चार्जिंग, तो ये ही मेन मुद्दा है ईवी चार्जिंग का ही, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, तो इसीलिए ये शेयर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, बस एक यही रीज़न अभी बना हुआ है, यही मुद्दा बना हुआ है, इसी वजह से ये शेयर आपको टॉप पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी, पहली बात तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन बना रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी टाटा मोटर्स बनाएगा, ओके। अब मतलब उनकी कंपनी टाटा मोटर्स बनाएगी, उनकी कंपनी बैटरी बनाएगी और जो कि टाटा केमिकल है, और बात की जाए टाटा पावर की, तो टाटा टाटा पावर उसमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग का काम करेगी,
तो यहाँ पर इस शेयर को जरूर देखिएगा, नज़र में रखिएगा। अगर वन डे का चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो सॉरी रिटर्न्स की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए लगभग 4% के आज के रिटर्न, वन वीक में 13%, वन मंथ में 21%, थ्री मंथ्स में 52%, 6 महीने 85%, वन ईयर में 144% के, ओके 5 ईयर में 84.71, बट 10 ईयर्स लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 7.02 माइनस में दिखा रहा है। ओके तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अभी सिचुएशन इसके फेवर में है। दैट्स द ओनली रीज़न कि ये शेयर भागता हुआ आपको नज़र आ रहा है और आपको अच्छा खासा रिटर्न, ओके अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नज़र आ रहा है। अगर हम इसके कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर ले, मार्केट कैपिटल लार्ज कैप कंपनी है, ओके 33,631 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओसी कुछ खास नहीं है, ओके बट शेयर भाग रहा है जो कि अगर अच्छी बात है, जो ले लेते हैं रख लेते हैं और लॉन्ग टर्म में शायद जिस जब हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आते हुए दिखाई देंगे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर, तो ये शेयर एक मल्टीबैगर साबित होता हुआ हमें डेफिनेटली नज़र आएगा, क्योंकि ये हर एक हिस्सों में प्लानिंग कर रहे हैं कि इस तरीके के चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे कि ये टाटा पावर के कि इजीली वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सके। इस तरीके की एक माइंडसेट अभी चलता हुआ आ रहा है। बट अगर बात की जाए तो इसके बहुत सारे पीयर कंपनीज भी है, जो कि एक आगे चल के मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, एक और शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे उसमें, और हम जानेंगे कि क्या हमें उसे भी खरीदना चाहिए कि नहीं। तो अगर उससे रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था, बट स्टिल एक बार वीडियो और बनाएंगे। अगर बात की जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं। सेल्स यहाँ पर कंपनी के जो अभी दिसंबर के सेल्स थे वो आपको कम होते हुए नजर आए हैं। अगर बट अगर हम बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट लास्ट क्वार्टर से बात कर कंपेयर करें तो हमें सेल कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट तो स्टार्टिंग में हुआ करता था, कब, 2 मार्च 2018, जून 2018 में, बट उसके बाद घटता हुआ नज़र आया है और अभी हमारा जो नेट प्रॉफिट है ओके 248 करोड़ रुपीज़ इस क्वार्टर का हमें नज़र आया है, जो कि क्या कहे तो थोड़ा सा हमें एवं ही दिख रहा है। ओके अगर बात की जाए यहाँ पर ईयर टू ईयर बेसिस पे तो यहाँ पर सेल्स ईयर टू ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी, मतलब पूरे 12 महीने की अगर सेल्स की बात की जाए 28,962 करोड़ की यहाँ पर सेल्स होती हुई नज़र आई है। बट सिचुएशन है इस वजह से यहाँ पर शेयर हमें भागता हुआ नज़र आ रहा है। ओके और कुछ प्रमोटर्स ने भी लास्ट पिछले 2 क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती हुई नज़र आई है इस वजह से भी, जो कि मैं आपकी दिखाऊंगा। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,137 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट पिछले 12 महीने में होता हुआ नज़र आया है। बट पिछले काफ़ी पहले बहुत सारे सारे ऐसे साल गुजरे हैं जहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि इस क्वार्टर से भी ज़्यादा तो इस ईयर से भी ज़्यादा हमें होता हुआ नज़र आया है। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी का बढ़िया रिजर्व्स है, 21,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोराइंग की बात करें तो कंपनी का बहुत ज़्यादा बोराइंग भी है, 44,000 करोड़ रुपीज़ की बोराइंग है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 14,913 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर बात की जाए कैश इक्विवेलेंट की तो देखिए 4,621 करोड़ रुपये का कैश भी है। कंपनी के टोटल एसेट देखिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लोज भी अच्छे खासे हैं। अगर बात की जाए आरओसी की तो आरओसी केवल 80% का है। प्रमोटर्स की होल्डिंग तो यहाँ पर जो बात कर रहा था ना मैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग तो देखिए यहाँ पर पहले प्रमोटर्स 33% थे, ओके इसके बाद यहाँ पर सितंबर 2019 में उन्होंने फिर 3% के लगभग होल्डिंग बढ़ाई, फिर यहाँ पर मार्च 2020 में जैसे जैसे आया यहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ानी शुरू कर दी। इसके अलावा सितंबर में अगर आप देखेंगे तो लगभग 10% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाती हुई नमी नज़र आई, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी तभी खरीदती है जब उसे पता होता है कि हाँ हम क्या करने वाले हैं, और ये कोई आजकल के लिए नहीं है, इनकी जो होल्डिंग्स इन्होंने अपने आप बढ़ाई है इसका इन्हें पता है कि आने वाले 5 से 10 साल लगेंगे और ये कंपनी जाके अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आएगी। और इससे रिलेटेड एक दो न्यूज़ भी आई है, आप अगर आप देखेंगे गूगल पर जाएंगे टाइप करेंगे तो कंपनी से रिलेटेड आपको न्यूज़ भी मिलेगी। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने देखिए लास्ट क्वार्टर से लगभग 2% की हिस्सेदारी बढ़ती हुई नज़र आई है। डीआईएस की बात करें तो थोड़ी सी कम करी है बट स्टिल 23% की हिस्सेदारी डीआईएस के पास है। गवर्नमेंट के पास भी 0.8% की हिस्सेदारी है। ओके अगर बात की जाए पब्लिक की तो पब्लिक के पास भी हिस्सेदारी 16% की यहाँ पर होल्डिंग रखी हुई है।
अब कंक्लूजन पे आते हैं कि देखिए हर सब कुछ नज़र आ रहा है और बोरिंग भी कंपनी के पास अब बहुत अच्छी खासी है, अच्छे खासे लेवल पर बोरिंग है। ओके, तो क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो देखिए जिस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है इस कंपनी के साथ, ओके, जिस तरीके का ये काम करने जा रही है, ओके, और एक रेपुटेड कंपनी है टाटा की, तो इससे देखिए थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप ले सकते हैं, ओके। और उसके लिए भी अगर आपका आपका विज़न कम से कम 5 से 10 साल का है, टिल दैट कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल ना आ जाए और अच्छी तरीके से हर कोई यूज़ ना करने लग जाए, तब तक तो ये शेयर ओके आपको घटते बढ़ते मैनर में दिखाई देगा, क्योंकि ये जो विज़न है ये बहुत लंबा है और किस तरीके से इंडियंस लेते हैं, हम लोग लेते हैं, वो भी एक देखा जाएगा, और इसके लिए 5 से 10 साल लगने वाले हैं। और जब ये लगेंगे तो ये कंपनी का शेयर आपको भागते हुए भी नजर आएगा। तो देखिए 52 वीक आई तो ये कभी भी अपने आप को तोड़ सकता है, नो डाउट। बट अभी मैं आपको कहूँगा कि ये कंपनी भागे जा रही है, भागे जा रही है, शेयर भागे जा रहा है। तो देखिए इसने काफ़ी बार आपको बीच में मौके दिए हैं, ये बढ़ता भी है गिरता भी है, तो इस लेवल पर आप अगर आप करते हैं तो एक दो शेयर ले सकते हैं, फिर इसके बाद नीचे आता है तो, और इस तरीके से अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। एक साथ बड़ा अमाउंट यहाँ पर लगाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, ओके, ट्रैप भी हो सकते हो, क्योंकि ईवी का काम है तो एक दिन में नहीं होने वाला, टू बी वेरी वेरी श्योर, इसमें एक लंबा टाइम जाने वाला है। तो धीरे धीरे क्वांटिटी इसमें उठाइए, ओके, मतलब एक शेयर ले लिया, फिर नीचे आया, फिर ले लिया, या ऊपर जा रहा है तो ले लिया, तो इस तरीके से एक एक दो दो शेयर उठाते रहिए, ओके। मुझे पता है कि हर कोई यहाँ पर राकेश झुनझुन वाला नहीं है कि एक साथ ही करोड़ों के शेयर्स यहाँ पर ले ले, तो धीरे धीरे उठाते रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, 5 से 10 साल का विज़न रखिए, तब ये शायद आपको मल्टीबैगर बनता हुआ नज़र आ जाए आपको। तो यही मेरे को बताना था, यही, क्योंकि क्या होता है कि अभी कल मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था, ओके, तो लोग यहाँ पर ये ATGL से रिलेटेड, अडानी गैस से रिलेटेड है, तो इसमें क्या था, ये जो शेयर था ना अपर सर्किट में चल रहा था और पिछले 4 1 हफ्ते में इसने अच्छे खासे, मतलब बात की जाए तो 30-40% के रिटर्न दे दिए थे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये शेयर अच्छा है शेयर, बट जब चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश मत करो, जो अगर भागते हुए ये शेयर को पकड़ोगे ना तो फिर ये गिरते हुआ नज़र आ जाएगा। ये मॉर्निंग में जब ये खुला था तो ये नेगेटिव में खुला था, फिर उसके बाद लगभग 3% ये बढ़ चुका है, बट अच्छी बात है, बड़े अच्छी बात है, बट हम बात करेंगे कि ये मौका देगा आपको, ओके, जैसे ही नीचे आएगा फिर खरीदिए, थोड़ा टाइम का वेट करेंगे ना तो आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे शेयर ना टॉप पे खरीद रखे हैं तो वो बाद में नीचे आ जाते हैं, तो मुझे पता है, इसलिए पेशेंस रखोगे ना, 1-2 महीने का टाइम दोगे, कोई अगर भाग रहा है शेयर कोई नहीं भागने दो, उससे नीचे खरीदने का आपको मौका डेफिनेटली मिलेगा, ओके। तो इस सीख को भी याद रखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, ताकि इस तरीके के वीडियो हम आपसे आपके पास लाते रहें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।